दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपके घर में जब भी पूजा घर आप बनाते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल करना चाहिए, पूजा रूम कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं, कैसा होना चाहिए, उसके अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते, इन सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज आती है पूजा घर होना कहाँ चाहिए। दोस्तों जो पूजा घर की परफेक्ट लोकेशन बनती है वो आपके नॉर्थ से सेंटर के ईस्ट के सेंटर तक बनती है। नॉर्थ का सेंटर से ईस्ट का सेंटर तक, नॉर्थ हो गया नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, उस वाली दीवार पे, उस वाली लाइन में कहीं पे भी आ सकता है, उस वाली डायरेक्शन में आपका पूजा घर कहीं पे भी आ सकता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक ये पूरा एरिया आपके पूजा घर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके घर का कोई भी आपका प्लॉट है या आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया का कॉर्नर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जितना आपका पूजा घर होगा उतना ज्यादा बेटर है दोस्तों। सेकेंड थिंग, पूजा घर जब भी बनाएंगे एक चीज का आपको ध्यान करना है, पूजा घर कभी भी जमीन से लगता हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा एलिवेटेड होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए आपका पूजा घर। तीसरी चीज दोस्तों, जब भी जो सामने पूजा कर रहा है, जो बैठ के सामने पूजा कर रहा है, उसका आसन जो लगता है, उसके बैठने की जगह जो होती है, वो पूजा घर से हमेशा नीची होनी चाहिए। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि पूजा घर तो 6 इंच ऊपर होता है और जो बैठने वाला है उसने सामने अपने लिए एक स्टूल रख रखा होता है क्योंकि उसके घुटनों की प्रॉब्लम होती है और वो स्टूल होता है 8 इंच 10 इंच ऊंचा, तो वो बराबर हाइट से पूजा करते हैं, वो गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए आप। उसके बाद एक चीज का खास ख्याल करेंगे, पूजा घर कभी भी स्टेयरकेस के नीचे नहीं आना चाहिए। बहुत बार लैंडिंग बन रही होती है स्टेयर्स पे, वहां पे लोग अपना पूजा घर लगा देते हैं। कभी भी स्टेयरकेस की लैंडिंग पे या स्टेयरकेस के नीचे कहीं पे भी पूजा घर आपका नहीं आना चाहिए, पूजा घर स्टेयरकेस के नीचे नेगेटिव होता है। और एक बात का खास ख्याल करेंगे, पूजा घर का डोर या पूजा घर कभी भी टॉयलेट के डोर के सामने नहीं आना चाहिए। कहीं पे भी आपका टॉयलेट डोर आ रहा है उसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे पूजा घर नहीं आना चाहिए, ना ही आपका पूजा घर का डोर आना चाहिए। पूजा घर ओपन है, क्लोज है, जैसा भी आपने बना रखा है, ना ही उसका दरवाजा आएगा ना ही पूजा घर का डोर आएगा टॉयलेट के डोर के सामने। सेकेंड चीज, कभी भी डाइनिंग टेबल पूजा घर के सामने नहीं होनी चाहिए। पूजा घर से कम 10 से 12 फीट की दूरी पे आपकी डाइनिंग टेबल आनी चाहिए, अगर उसके आसपास कहीं पे उस एरिया में आ रही है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के आसपास कभी भी पूजा घर नहीं बनाते। डाइनिंग टेबल पे बर्तन आते हैं, झूठे बर्तन आते हैं, वहां बैठ के लोग खाते पीते हैं, वो पूजा घर के आगे गलत होता है दोस्तों। चाहे आप पूजा घर बंद रखते हैं, चाहे आप उसके कर्टेन ड्रॉ करके रखते हैं, उसके बाद भी ध्यान कीजिएगा डाइनिंग टेबल से 10 से 12 फीट की दूरी पे ही आपका पूजा घर है, उसके नजदीक ना आए। नेक्स्ट चीज ध्यान करेंगे दोस्तों, पूजा घर जब भी बनवाएं या खरीदें तो या तो वो लकड़ी का हो या वो मार्बल का हो। लकड़ी का या मार्बल का, ये दो ही मटेरियल का आप पूजा घर ले सकते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज का बना हुआ पूजा घर नहीं लगाना दोस्तों। ये वास्तु के हिसाब से हानिकारक हो सकता है, ये आपको नुकसान करा सकता है। साथ ही साथ एक चीज का और ख्याल करेंगे, पूजा घर के ऊपर हमेशा डोम होना चाहिए। बिना डोम के, बहुत बार घरों में हम पूजा घर जो बनाते हैं उसके ऊपर हम डोम नहीं बनाते हैं क्योंकि उसके ऊपर पूजा घर की एक छत आ रही होती है, उसके ऊपर आपकी मेन छत होती है, तो लोग डोम नहीं बनाते हैं कि घर का पूजा घर है इसमें डोम के। बट डोम जरूरी होता है दोस्तों, वो पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करने में बहुत हेल्प करता है पूजा घर का डोम। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है मूर्तियों का। कभी भी अपने पूजा घर में कोई भी खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। बहुत बार दोस्तों क्लाइंट्स के मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं, मूर्ति जरा सी खंडित हो जाती है उसके ऊपर ना कॉर्नर पे पेंट कर देते हैं हल्का सा। खंडित मूर्ति पे पेंट नहीं करना, खंडित मूर्ति को आपको अपने पूजा घर में नहीं रखना। जैसे ही कोई मूर्ति खंडित होती है उसको पूजा घर से हटा देंगे दोस्तों। इसके अलावा और एक चीज का ध्यान करेंगे, कभी भी कोई मूर्ति 9 इंच से ऊपर की आपके घर में पूजा घर में नहीं आएगी।
जो भी आपने अपने घर में पूजा घर बना रखा है वहां पर 9 इंच से ऊपर की मूर्ति आप अपने पूजा घर में नहीं रख सकते। अगर आपको कोई मूर्ति रखनी है पूजा घर के बाहर, आप बहुत बार क्लाइंट्स के यहाँ होती हैं कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रख रखी होती हैं, बट अगर वो ऐसी इस टाइप की कोई बड़ी मूर्ति आपको रखनी है, कोई लक्ष्मी जी रख रहे हैं, गणेश जी रख रहे हैं, गणेश जी बहुत बार आप 2-2-3 दिन फिट के देखे मैंने अपने क्लाइंट्स के यहाँ, तो उसकी पूजा नहीं करिएगा। वो पूजा उसकी आपको नहीं करनी, वो एज अ शो पीस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, गॉड का आइडल है, एज अ शो पीस आप रखिए, उसकी पूजा नहीं करेंगे आप। स्पेशली मंदिर के अंदर 9 इंचेस से ऊपर की मूर्ति अवॉइड करेंगे। एक और चीज का खास ख्याल करेंगे दोस्तों, कभी भी सेम गॉड के 2 आइडल या 2 पिक्चर्स या 1 आइडल 1 पिक्चर नहीं होना चाहिए। एक गॉड का एक ही आइडल रखेंगे या 1 पिक्चर रखेंगे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, कभी भी पूजा घर में डस्टबिन नहीं रखना। एक छोटा सा कटोरी रख लीजिए जिसमें आप, कई बार ऐसा होता है दिया जला के जो माचिस बचती है या जो पुरानी आपकी जली हुई बत्ती होती है, ये सब चीजों को रखने के लिए आपको कोई डस्टबिन चाहिए होता है, वहां पे कटोरी रख लीजिए और उसको डेली के डेली जैसे ही पूजा करने जाते हैं वो कटोरी लेके जाइए और पूजा करके आते हैं वो कटोरी वहां से उठा लीजिए। कभी भी पूजा घर में या पूजा घर के आसपास आपको डस्टबिन नहीं रखना, ये हानिकारक होता है, ये नुकसानदायक होता है वास्तु के अनुसार। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।